क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। वर्ल्ड कप में इस बार जबरदस्त मैच और जबरदस्त अंदाज दिख रहा है। करीब करीब 70% लीग मैच हो चुके हैं और अब बाकी बचे मैचों के बाद सेमीफाइनल के स्पॉट तय होने हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से महामुकाबला होगा। 9 जुलाई को भारत पाकिस्तान फिर से आमने सामने हो सकते हैं। तो कैसे होगा ये आपको बताते हैं। आप भी भारत पाकिस्तान महामुकाबले को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें कि अब की बार किसे मिलेगी जीत। तो वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच फिर से होने की बात कही जा रही है और ये मैच सेमीफाइनल में होगा। जी हाँ, टीम इंडिया करीब करीब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और आगे के मैचों में इंग्लैंड को छोड़कर ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो टीम इंडिया से मुकाबला कर सके। और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया तो फिर तो भारत और पाकिस्तान का 9 जुलाई को मुकाबला होना तय हो जाएगा। अब वो कैसे होगा और क्या है समीकरण, वो भी आपको बताते हैं। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराते हुए अगर अपने सारे लीग मैच जीते तो भारत के 17 अंक होंगे और सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ टीम इंडिया टेबल में भी टॉप पर होगी। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अभी 3 मैच खेलने हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 1 मैच ही जीतना है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम न्यूजीलैंड की होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी अभी 3 मैच खेलने हैं और कीवी टीम को भी सिर्फ 1 ही मैच जीतना है। यहाँ तक कि अगर न्यूजीलैंड अपने सभी मैच भी हार जाए तो भी न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि उसका रन रेट बेहद ज्यादा है। अब बात करते हैं सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम की। तो वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार कही जा रही इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो सकती है। इंग्लैंड को अब 3 मैच खेलने हैं और इंग्लैंड को 3 में से 2 मैच हर हाल में जीतने हैं और इंग्लैंड के तीनों ही मैच ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ हैं। इन तीनों ही टीमों के खिलाफ आज तक वर्ल्ड कप में इंग्लैंड कभी भी कोई मैच नहीं जीता है, लिहाजा इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है और सेमीफाइनल की दौड़ से दूर रह सकती है। ऐसे में अगर इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर होती है तो फिर पाकिस्तान सबसे बड़ा दावेदार है। वैसे तो पाकिस्तान को अब अपने सभी 3 मैच जीतने होंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड को जरूर हराना होगा, क्योंकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान को पाकिस्तान टीम आसानी से हरा सकती है। और अगर न्यूजीलैंड को हरा देती है तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम होगी। बस यही समीकरण टीम इंडिया और पाकिस्तान का फिर से मैच भी कराएगा, जो कि सेमीफाइनल मैच होगा। टॉप पर रहने वाली टीम इंडिया चौथे नंबर पर रहने वाली पाकिस्तान के खिलाफ 9 जुलाई को मैनचेस्टर के ही मैदान में फिर से भिड़ेगी और इस बार मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है। तो आप भी चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में फिर से भारत पाकिस्तान मैच हो तो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही ये भी जरूर बताएं कि इस बार कौन सी टीम पड़ेगी भारी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।